ठेकेदार और बिचौलिए के द्वारा इतने कमीशन लिया जाता है कि वो भी ठेकेदार किसी तरह से अपना लिपापोती करके चला जाता है और वो सड़क एक महीना भी नहीं टिक पाते हैं। इस सड़क पे खड़े हैं, उस सड़क पे बड़े बड़े मंत्री और विधायकों का दौरा होता है और जाते हैं। हम अभी आंध्रा ठाड़ी में हैं और इस सड़क की बात करें कि सड़क हमको इस तरह से लग रहा है कि खंडर लग रहा है। आप देखिएगा कि दूर तक पूरा पानी भरा हुआ है और ये कहा जाए कि ये छोटी सड़क नहीं है, ये मेन मार्ग है। ये आपको अनुमंडल जोड़ते हैं, झंझारपुर जाते हैं, एनएच तक जोड़ते हैं, इधर प्रखंड मुख्यालय तक जाते हैं सड़क। लेकिन विकास की अगर बात किया जाए तो यहाँ के बड़े बड़े मंत्री रह चुके हैं, चूँकि इस गांव के एक मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इस क्षेत्र के विधायक भी हैं, यहाँ के सांसद भी हैं। हम MLC की बात करें या चेयरमैन की बात करें, यहाँ के विकास नहीं हो पाया। ये कारण है और अधिकार है ऐसे नेताओं पे कि आज तक विकास नहीं हुआ। ये मेन मार्ग है और देखिएगा कि यहाँ के लोग किस तरह से, मतलब बड़े बड़े मंत्री कहिएगा सबका गाड़ी जाता है, लेकिन आज तक कोई इस गड्ढे को भरपाई नहीं कर पाया। यहाँ ज़रूरत है नाले की, यहाँ एक नाला होते तो कहीं ना कहीं ये पानी बहाव चले जाते, निकल जाते। सड़क के नाम पे तो खानापूर्ति होती है, बहुत सारे आवंटन होते हैं सरकार के द्वारा पास किया जाता है, लेकिन सरकार के जो ठेकेदार और बिचौलिए के द्वारा इतने कमीशन लिया जाता है कि वो भी ठेकेदार किसी तरह से अपना लिपापोती करके चला जाता है और वो सड़क एक महीना भी नहीं टिक पाते हैं। और हम दिखाने का प्रयास करेंगे और यहाँ के जो विधायक है, यहाँ के जो विधायक हैं, MLC हैं, उन लोगों से हम ध्यान आकर्षित कराने का पूरा प्रयास करेंगे कि कम से कम इस सड़क का निर्माण कराए। ये मेन मार्ग है, ये इतिहास की धरती है, यहाँ से वाचस्पति मिश्र का ये जन्मस्थली धरती है, यहाँ बड़े बड़े विद्वान हैं और फिर भी इस तरह के सड़क है, फिर भी इस तरह के विकास के नाम पर 0 मिलेगा तो कहीं ना कहीं निंदनीय बात है। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।